क्या सचिन पायलट है पार्टी से नाराज? आखिर क्यों दिखाई दे रहे हैं बार बार पायलट के बगावती तेवर? क्या पायलट कांग्रेस छोड़कर बना सकते हैं नई पार्टी? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं। अब जबकि राजस्थान में पायलट के लिए कम से कम इस टर्म में सीएम का पद मिलना शायद असंभव है, ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। इसी बीच ऐसी खबर आई कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को पायलट की राजनीतिक रणनीति बनाने का जिम्मा मिला है। आईपैक की कोर टीम ने पायलट से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। पायलट ने जब पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया तो पहली बार कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत का साथ दिया। आलाकमान ने तब गहलोत की योजनाओं की तारीफ करके ये भी संकेत दे दिए कि इस बार का विधानसभा चुनाव शायद गहलोत की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। पायलट पहले पार्टी के संभाग स्तरीय सम्मेलनों में शामिल नहीं हुए, उसके बाद जब विधायकों का 1-to-1 फीडबैक हुआ तब भी पायलट उसमें शामिल नहीं हुए। इसके बाद फिर से ये संशय गहरा गया कि आखिर क्यों पायलट पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। हालांकि पायलट ने इसे लेकर कहा कि पार्टी ने फीडबैक कार्यक्रम की रणनीति उनके तयशुदा कार्यक्रम के बाद बनाई थी, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या पायलट राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाएं देख रहे हैं। जिस तरह से पायलट की अनशन का आम आदमी पार्टी और आरएलपी ने समर्थन किया, उसके बाद से चर्चा है कि सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल एक साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए रणनीति तैयार करती है। इसके लिए कंपनी के कई अलग अलग विंग यानी डिपार्टमेंट है। प्रशांत किशोर की इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं अपने नाम लिखी हैं। 2014 में आईपैक ने पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन संभाला। इसके बाद कांग्रेस, जदयू, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए काम किया। अब खबर आ रही है कि आईपैक पायलट के लिए भी काम कर सकती है। हालांकि कोर कमेटी की मीटिंग पायलट से हो चुकी है, लेकिन उनके लिए काम करने से पहले कंपनी पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रही है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।